अभी हम खड़े हुए हैं गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाज़ा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और ये 130 मीटर मेन रोड पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी ऑफिस स्पेस के जो कैंपस है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। अभी मैं आपको जो मैंने वीडियो छोटी सी बनाई है वो फूड कोर्ट की है, और इसमें ऑलरेडी हीरा स्वीट्स हो गया, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, KFC है, सैमसंग है, चुनमुन है, उस्वाल है, टाटा वेस्ट साइड है, और भी काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो आज के समय में ऑपरेशनल हैं। ये 130 मीटर की ही रोड जो आप अभी देख पा रहे हैं, इसी पे ही आपकी आने वाले समय में मेट्रो ऑपरेशनल होगी जो एक्सपेक्टेड है 2024 में। सामने इसके ठीक गौर सौंदर्यम की ये लग्जरी सोसाइटी है, और ये रोड स्ट्रेट जाता है टूवर्ड्स आपका नोएडा सेक्टर 75 और 71 की तरफ। सामने आप देख सकते हैं कि वो चार मूर्ति है जिसे गौर चौक के नाम से जानते हैं, और बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन ये रास्ता है। ये रोड स्ट्रीट आपका टूवर्ड्स परी चौक जेवर एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है गैलेक्सी ब्लू सफायर के सेम। ये लेफ्ट साइड आप मेरे फिंगर के हिसाब से देखेंगे, ये लेफ्ट टूवर्ड्स ये जाता है NS 24 ABS कॉलेज की तरफ। रेस्टोबार्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी फिट आउट का काम चल रहा है, और काकेदी हट्टी जो रेस्टोरेंट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। NCR का सबसे बड़ा सिनेमा लेके आ रहे हैं US सिनेमा, जो ऑलरेडी फिट आउट कंप्लीट करने की पोजीशन पे है, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशनल की वो नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा। इसका फूड कोर्ट की बात करें तो अपने पास अभी कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट यूनिट्स अवेलेबल हैं जो रेंटल के साथ में हैं, और आप व्यू देख सकते हैं कि इवनिंग व्यू इसका कितना सुंदर रहेगा आने वाले समय में। ये आप देख सकते हैं LED लाइट्स हैं, और तकरीबन 30-40 फिट की डबल हाइट इसकी लॉबी रहेगी जो ओपन सेटिंग के साथ रहेगी, ओपन टेरेस के साथ रहेगी। और अच्छे बड़े ब्रांड्स जो हैं फूड कोर्ट के अंदर ऑलरेडी हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, साइन कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं कि विद इन 1 or 2 मंथ्स के अंदर ऑपरेशनल होंगे, रनिंग होंगे। ठीक सेम इसी कैंपस के अंदर ऑलरेडी स्टूडियो अपार्टमेंट अभी हमने लॉन्च किए हैं, जो तकरीबन 50-51 लाख रुपये के आसपास की कॉस्ट करता है, और उसमें दोनों ऑप्शन का प्रोविज़न रहेगा कि आप लीज़ के साथ जा सकते हैं, जो लीज़ रहेगी तकरीबन अपनी 15 ईयर्स के लिए विद लीज़ गारंटी, और सेल्फ यूज़ स्टूडियो अपार्टमेंट भी ऑपरेशन रहेंगे। उसकी वीडियो मैं आपके लिए कल शेयर करूँगा। तो अभी फूड कोर्ट की तरफ हम आगे, और भी मैं आपको यूनिट्स इसमें दिखाता हूँ कि कॉमन सिटिंग एरिया कहाँ रहेगा, कॉमन सिटी के साथ में जो आपका किचन पार्ट है, ये कॉर्नर की आप यूनिट देख सकते हैं, ये 1129 स्क्वायर फिट का है, और ये पूरा कॉमन सिटिंग पार्ट रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये इंटीरियर फिनिशिंग का काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये सारे किचन काउंटर्स हैं, और फूड कोर्ट वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है फॉर द लॉन्ग टर्म सेफ रेंटल इनकम। आप अपना सेल्फ यूज़ करना चाहें तो किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, और इसमें कोई भी अच्छा बिजनेस आप ऑपरेट कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। ये छोटी यूनिट है फूड कोर्ट की जो नॉर्मली मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ जितनी भी यूनिट्स हैं वो थोड़े बड़े साइज़ बनाए हुए हैं, ये छोटी यूनिट्स हैं, तो अगर आप प्लान करते हैं जल्दी तो 1-2 यूनिट्स आपको मिल सकता है। और मेरा नंबर इसमें रहेगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली शॉप के लिए, ऑफिस स्पेस, फूड कोर्ट या स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।